हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस लेसन स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जे वी एन सैबी मेर सिंपल के इस चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने नए सीरीज़ को शुरुआत करने वाले हैं डेली हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे ऑन द वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ सी सो टुडे वी आर बिगनिंग विथ ए आज दोस्तों हम लोग ए का जो यूनिट uh, वन है जो कि बेस्ड है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का तो आज हम लोग इसके एम को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट सो फ्रेंड्स बिफोर बिगनिंग दिस लेसन लेट मी रिमाइंड यू मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूँ यदि आप दोस्तों डेली क्वेज़ को अटेम्प्ट चाहें हैं वो भी फ्री क्विजेस को तो प्लीज़ इंस्टॉल आवर एप जे आई वी एंड सी आई वी मेट सिंपल एंड एंड वन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेट मी रिमाइंड यू अबाउट सो फ्रेंड्स आज आपके लिए लकी डे है बिकॉज वी आर ऑफरिंग टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन आवर ऑल पी डी एफ कोर्स तो जितने भी हमारे पी डी एफ कोर्स हैं सी आई वी के सभी पे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है तो so जरूर आप इस कूपन कोड पी डी एफ टेन को अप्लाई करें और इस टेन परसेंट डिस्काउंट को अवेल करें सो दैट योर प्रिपरेशन इज ऑन स्मूथ एंड दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ वी आर वी विल ट्राई टू आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इच एंड एवरी कंसेप्ट दिस वीडियो इज बाय लेंग्वल यानी कि दोस्तों मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने का प्रयास करूंगा सो लेट्स बिगिन अवर टूडे सेटिकुलर कूपन कोड एंड अवेल द ऑफर विच इज वैलिड फॉर टूडे वनली सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टेक्स केयर ऑफ द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर सो so, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा दूँ देखिए यहाँ पे जरा ऑप्शंस को जरा देखते हैं पहला ऑप्शन है प्लानिंग यू नो व्हाट इज अ प्लानिंग तो प्लानिंग में क्या होता है दोस्तों कि आप गोल सेट करते हैं और फिर गोल सेट करने का गोल सेट करने के बाद एक प्लान को डेवलप करते हैं ये होता है हमारा प्लानिंग दूसरा है दोस्तों स्टाफिंग स्टाफिंग में क्या होता है कि आप रिक्रूट करते हैं सेलेक्ट करते हैं यू रिक्रूट यू सेलेक्ट एंड यू प्लेस एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है दोस्तों कि आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ठीक है यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड यू असाइन टास्क टू द एम्प्लॉय और डायरेक्टिंग में क्या होता है कि आप कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉय के साथ यू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉय सो इन नटसेल आई हैव टोल्ड यू मैं आई हैव गिवन यू द डिस्क्रिप्शन इन नटसेल यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर नाउ सी दिस पार्ट दिस इज द पॉइंट दैट इज रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ओके सो वाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर सो फ्री दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एक तरीका है जिससे इंप्लॉय को एक साथ ग्रुप किया जाता है और उसे मैनेजर को असाइन किया जाता है तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा हु विल रिपोर्ट टू होम ठीक है कौन किसे रिपोर्ट करेगा ये होता है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर और किस काम के लिए किसकी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कहने का मतलब कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग राइट ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है प्लानिंग को कोई रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर से मतलब नहीं होता है स्टाफिंग में आप रिक्रूट करते हैं सेलेक्ट करते हैं प्लेस करते हैं डायरेक्टिंग में दोस्तों आप कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉय के साथ और उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो ये चीज़ है तो रिपोर्टिंग का जहाँ तक बात है तो प्लीज़ रिमेंबर रिपोर्टिंग इज स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ आवर स्टाफिंग ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट सो हो फुली यू हैव अंडरस्टूड द दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है जो कि फोकस करता है कि इस पर मोटिवेशन पे तो आपको ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से गोथ्रू होना पड़ेगा विच आई हैव कम क्लियरली एक्सप्लेन इन ऑल माई वीडियोज सो नाओ लेट्स यू दिस क्वेश्चन ऑप्शन है क्वांटिटेटिव स्कूल न्यू क्लासिकल स्कूल सिस्टम स्कूल एंड कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट सो लेट मी टॉक अबाउट ऑल दिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इन नटसिल सी ऑफ मैनेजमेंट जो है ये फोकस करता है मैथमेटिकल मॉडल इट फोकस ऑन मैथमेटिकल मॉडल ओके किस चीज के लिए फॉरवर्ड सो इट फोकस ऑन मैथमेटिकल मॉडल क्वानिटेटिव स्कूल नॉनली स्टॉक न्यू क्लासिकल स्कूल तो फ्रेंड्स न्यू क्लासिकल से पहले हम लोग सिस्टम स्कूल की बात करते हैं तो सिस्टम स्कूल दोस्तों इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम एंड दिस कॉन्टीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन द आइडिया दैट देर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज बट दैट द बेस्ट अप्रोच डिपेंड ऑन सिचुएसन मतलब कॉन्टीजेंसी मॉडल को का कहना का है कि जो बेस्ट अप्रोच होता है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ मॉडल है इससे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का दूसरा नाम याद रखिएगा इसका दूसरा नाम है ह्यूमन रिलेशन स्कूल ठीक है तो इसे ये फोकस करता है ह्यूमन एलिमेंट इन दर्गनाइजेशन इट फोकस ऑन ह्यूमन एलिमेंट इसलिए सो नाम है इसका रिलेशन सो इट फोकस ऑन ह्यूमन एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो स्कूल ऑफ थाउट है ये इम्पिजाइज करता है कि कितना जरूरी है मोटिवेशन का होना लीडरशिप का होना और ग्रुप डायनेमिक का होना राइट सो ये है हमारा न्यू क्लासिकल स्कूल सो प्लीज़ रिमेंबर दैट द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ न्यू क्लासिकल स्कूल इट फोकस ऑन ह्यूमन एलिमेंट्स और दोस्तों इसके कुछ की कॉन्ट्रीब्यूटर के बारे में भी जान लीजिए क्योंकि सवाल इससे ही बन सकता है जैसे एल्टॉन मायो ठीक है सो प्लीज़ रिमेंबर सम की कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस न्यू क्लासिकल थ्योरी लाइक एल्टॉन मायो ओके डॉगलास मैग्रीगर एंड एवराइम मासलो ठीक है तो माओ का जो हैथन स्टडी है जो कि कंडक्ट किया गया था 1920s और 1930 में जो कि कहता है सोशल फैक्टर जैसे ग्रुप कोइजिवनेस फिर मैग्रीगर का थ्योरी एक्स था थ्योरी वाई था जो कि डेवलप किया गया 1950 में ठीक है तो ये जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को आज के समय में मैनेज किया जा रहा है इसका फोकस है मोटिवेशन पे लीडरशिप पे और ग्रुप डायनेमिक पे जिससे आप प्रोडक्टिव और सेटिसफाइंग वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं ओके नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन पर है इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से कौन सा कथन सही है सो द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द वर्क फोर्स शुड बी गिवन एनी टारगेट और स्लोगन और एग्जॉटेड टू अचीव प्रोडक्शन लेवल विदाउट डिवाइजिंग न्यू मैथड दोस्तों ये ऑप्शन गलत है वाई दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज इट डज नॉट इनकरेज द वर्क फोर्स टू डिज न्यू मैथड राइट so this uh, if you are uh, if you are giving any target if you are giving any slogan so this does not uh, encourage the workforce to devise new method option b is uh, the practice of considering price as the criteria for awarding business contract should be introduced and total cost should be minimized mm -hmm. by having a large number of supplier so friends uh, option b mm -hmm. is uh, also incorrect because it does not focus on quantity quant quality improvement see quality improvement is also one part right एंड इन दिस केस यहाँ पे दोस्तों कोई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है राइट नेक्स्ट पार्ट इज फिक्सिंग आर्बिट्री प्रोडक्शन कोटास फॉर द वर्क फोर्स एंड फॉर द फॉर द वर्क फोर्स एंड नुमेरिकल टारगेट फॉर द मैनेजमेंट शुड भी यूज एट डिसाइडेड बाय द मैनेजर सो लेट 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 बी मूव टू द नेक्स्ट लाइट सो फिक्सिंग आर्बिट्री प्रोडक्शन कोटाज फॉर द वर्क फोर्स एंड नुमेरिकल टारगेट फॉर द मैनेजमेंट शुड भी यूज एज डिसाइडेड बाय द मैनेजर सो फ्रेंड्स यहाँ भी बताया जा रहा है ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है हमारा जो प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप है इस इसपे बैरियर को रिमूव नहीं करता है बिकॉज इट डज़ नॉट रिमूव द बैरियर ऑन द प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप ओके एंड द लास्ट पार्ट इज़ द बैरियर टू द प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप एज वेल एज द एनुअल रेटिंग ऑफ मेरिट सिस्टम शुड बी रिमूवड विथ इम्पेजिज ऑन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी फ्रेंड्स दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज इट इम्पेजाज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट यू कैन सी इट इज रिटर्न इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी सो इट इम्पाइजेज द क्वालिटी पासपेक्ट एंड टम प्राइड ऑफ द वर्कमैनशिप सो द प्राइड ऑफ द वर्कमैनशिप इज देंस ऑफ सैटिस्फेक्शन दैट कम्स फ्रॉम डूइंग जॉब वेल आप यदि किसी काम को सही तरीके से करते हैं राइट right. तो आपको एक प्राइड होता है वर्कमैनशिप का जब भी कोई इम्प्लॉय अपने काम में प्राइड फील करते हैं तो दोस्तों वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे अपने स्किल को इम्प्रूवमेंट के लिए और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में तो ये जो हमारा एनुअल रेटिंग और मेरिट सिस्टम है यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ एनुअल रेटिंग या मेरिट सिस्टम सो बेसिकली ये जो है एक कॉम्पलीसन कॉम्पिटीसन का सेंस क्रिएट करता है इट क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन एमोंग द इम्प्लॉय राइट right. uh, जिस कारण से दोस्तों uh, गेम प्लेइंग जिस कारण से गेम प्लेइंग होगा और दोस्तों इसका फोकस होता है क्वांटिटी पे रदर देन क्वालिटी ठीक है तो इन सभी बैरियर्स को रिमूव करके ऑर्गेनाइजेशन एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेटेड होते हैं कि वो अपने काम को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं राइट right. तो इम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है जब आप प्राइड ऑफ वर्कमेंसिप का जो बैरियर है उसे रिमूव करते हैं एनुअल रेटिंग ऑन मेरिट सिस्टम को रिमूव करते हैं इस पर प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ता है कॉस्ट घटता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रिमूविंग दिस प्राइड ऑफ सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ना लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पर है पूछा जा रहा है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन uh, को कॉस्ट कंट्रोलिंग में हेल्प करता है दिस इज इनकरेक्ट क्यों hmm. क्योंकि दोस्तों लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प नहीं करता लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ड नॉट नेसेसरली हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल इट कॉस्ट ओके सो ऑप्शन नंबर ए इज इन करेक्ट नॉल इट्स द ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को जरा देखते हैं इसमें पूछा जा रहा है इसमें ऑप्शन है इट मेक्स द एम्प्लॉय द बेस्ट इन द इंडस्ट्री राइट तो ये इसमें कहा जा रहा है कि ये ये जो ये जो है हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये एम्प्लॉय को इंडस्ट्री में बेस्ट बनाता है इट मेक्स द एम्प्लॉय बेस्ड इन द इंडस्ट्री बताइए क्या ये सही है दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के किसी इम्प्लॉय को इंडस्ट्री में बेस्ड नहीं बनाता है राइट सो इट डिड नॉट नेसरली मेक द इम्प्लॉय बेस्ड इन द इंडस्ट्री सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट ओके सो ऑप्शन सी को जरा देखते हैं इसमें कहा जा रहा है कि इट हेल्प मैनेजर टू इम्पोज देयर व्यू ऑन दियर सवार सो फ्रेंड दिस ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर को हेल्प नहीं करता है कि वो अपने व्यूज़ अपने सवॉर्डिनेट पर इम्पोज करे सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन डी को ऑप्शन डी को देखते हैं ये कह रहा है कि इट इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाता है तो दिस इज़ करेक्ट क्योंकि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा है एडेप्ट कर रहा है इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं राइट right? organization are consistently improving its processes mm -hmm. uh, okay and uh, product organization are cont continuously increasing its processes product mm -hmm. and services राइट सो दिस कैन लीड टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी तो बेसिकली लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होने का बहुत सारा बेनिफिट है जैसा कि आपका इम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा इट विल इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी इट विल रिड्यूस द कॉस्ट इट विल इट विल इंक्रीज़ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इट विल इंक्रीज इनोवेशन इट विल इन्हांस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सो दे आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज डिजिटल गैप कैन गिव राइज टू सो डिजिटल गैप के कारण क्या हो सकता है तो ऑप्शन को जरा देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सी देखिए ऑप्शन ये गलत इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है तब भी हो सकता है जब डिजिटल गैप ना हो राइट सो दिस ऐसा नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तभी होगा जब डिजिटल गैप होगा सो इट कैन हैपन इट कैन हैपन ऑल्सो वैन देर इज नो डिजिटल गैप विच वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट राइट सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सो ऑप्शन नंबर ए दैट्स वाई इट इज़ इन करेक्ट नाउ लेट सी द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी विल सी लेटर ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज हायर प्रॉफिट सो देखिए हायर प्रॉफिट कहा जा रहा है तो हायर प्रॉफिट कोई जरूरी नहीं है कि डिजिटल गैप के कारण हो इम्प्रूव्ड ऑपरेशन तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये डिजिटल गैप नहीं भी होगा तभी ऑपरेशन इंप्रूव हो सकता है लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेस्ट में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है mm. क्योंकि डिजिटल गैप का मतलब होता है कि आप ये समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिजिटल गैप इट रेफर्स टू द डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी सो इट रैफर्स टू डिस्पैरिटी इन एक्सेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ठीक है इट रेफर्स टू द डिस्पैरिटी इन द एक्सेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सो दिस दिस डिस्पैरिटी इट कैन लीड्स टू इन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इनइक्वैलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ओके एंड एम्प्लॉयमेंट सो so, ये डिस्पैरिटी के कारण क्या होगा इन होगा एजुकेशन के टर्म्स में इंप्लॉयमेंट के टर्म में और सोशल पार्टिसिपेशन के टर्म में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है सम पीपुल हैव एक्सेस टू इंटरनेट राइट सो सो so फ्रेंड्स और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है तो वो लोग डिसएडवांटेज में रहेंगे ना जिनके पास एक्सेस नहीं है वो लोग डिसएडवांटेज में रहेंगे क्योंकि जब तक जॉब फाइंडिंग की बात आती है या एक्सेसिबल एजुकेशन रिसोर्सेज की बात आती है सो दे आर अर डिसएडवांटेज सो दिस डिजिटल गैप के कारण इनवलिटी आता है राइट right? एजुकेशन में इम्प्लॉयमेंट में इनक्वालिटी आता है कुछ लोगों के पास जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है वो लोग तो एक्सेस कर लेते हैं एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी को बट दोज हु डज नॉट हैव एक्सेस टू दिस इंटरनेट ओके दे लाइव बिहाइंड

सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एफ डब्लू टेलर इज एसोट विद विच ऑप्शन ए है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑप्शन बी है फ्यूचर मैनेजमेंट ऑप्शन सी है दोस्तों मॉडर्न मैनेजमेंट और ऑप्शन डी है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सो लेट्स इलिमिनेट द प्रोसेस इलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द नोमेरिकल ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों ये जो फेडरिक विल्सॉन टेलर है इसका फुल फॉर्म है फेडरिक विल्सॉन टेलर तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं बेसिकली ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर है जिनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ सो ही इज़ कंसिडर द फादर ऑफ़ साइंटिफिक मैनेजमेंट यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दैट इंपेसाइज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्क मैथड एंड एस्टेबलिशमेंट ऑफ साइंटिफिक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस तो जो तो टेलर तो का काम है वो एफिसियंसिस को बढ़ाने के लिए है कि वर्क प्लेस पेविजेंसी कैसे बढ़ाया जाए वेस्ट को इलिमिनेट करके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करके जहाँ तक बात है दूसरे ऑप्शन की जैसे कि आप देखिए फ्यूचर मैनेजमेंट लिखा है तो फ्यूचर मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है मॉडर्न मैनेजमेंट लिखा है दिस इज अ ब्रोड टर्म दैट इनकम पास अ वाइटी ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये एक जनरल टर्म है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से है तो दोस्तों कुछ और पॉइंट के बारे में बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट so uh, की दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर का बिलीव था कि जो बेस्ट तरीका है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का कि उस वो ये है कि आप वर्क मैथड को स्टडी कीजिए सी फ्रेंड्स वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस पॉइंट सो दैट सपोज क्वेश्चन इज आस्क इन डिफरेंट फैशन सो दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन सो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट था पॉइंट कि वर्क अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना आप वर्क मेथड को स्टडी कीजिए साइंटिफिकली दूसरा दूसरा पॉइंट था कि टेलर बिलीव करते थे कि जो बेस्ट तरीका है वर्कर से मैक्सिमम लेने का वो उनको केयरफुली सेलेक्ट करना है और उनको अपना काम एफिशिएंटली करने के लिए ट्रेन करना है तीसरा तरीका है डिवीज़न ऑफ़ वर्क बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर तो टेलर बिलीव करते थे कि क्लियर डिवीज़न ऑफ़ वर्क हो राइट देयर शुड बी क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क तो मैनेजर रिस्िपॉन्सिबल होंगे प्लानिंग के लिए वर्क ऑर्गेनाइजिंग के लिए जबकि वर्कर रिस्पांसिबल होते हैं काम करने के लिए और लास्ट है इंसेंटिव ये सभी टेलर ने कहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में तो इंसेंटिव में कहा गया है कि टेलर बिलीव करते थे कि वर्कर को रिवार्ड किया जाए उनके प्रोडक्टिविटी के लिए उन्होंने एक सिस्टम ऑफ पीस वर्क पे को इंट्रोड्यूस किया था सो दीज आर द पॉइंट विच इज एसटी बी साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नाउ लिट्सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दट बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉ एन एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको एक ही क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ वाई ऑप्शन इज इन करेक्ट हाउ कैन यू एलिमिनेट द ऑप्शन वट शुड बोर थॉट प्रोसेस सो दट दिस ऑप्शन कैन बिलिमिनेटेड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थाट प्रोसेस सो दै इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज आस्ट यू कैन इजिली एलिमिनेट द ऑप्शन सो नाउ लेट सी द क्वेश्चन क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा मैनेजमेंट प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है दोस्तों मैनेजमेंट प्रोसेस एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जो कि मैनेजर परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें कौन परफॉर्म करेगा दोस्तों ये दिस इज परफॉर्म्ड बाय मैनेजर क्यों परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें राइट right. तो देखिए पांच एलिमेंट्स होते हैं प्लीज रिमेंबर देयर आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस द फर्स्ट इज प्लानिंग प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि गोल सेट किया जाता है और कैसे उसे अचीव करना है इसका प्लान किया जाता है दूसरा होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग मैंने बताया कि आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं राइट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और और यू आर द टास्क टू हिच एम्प्लॉय तीसरा मैंने आपको बताया स्टाफिंग स्टाफिंग में दोस्तों आप रिक्रूट करते हैं आप सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद दोस्तों आप प्लेस करते हैं एम्प्लॉय को नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज लीडिंग सो लीडिंग में क्या होता है कि आप कम्युनिकेट करते हैं इम्प्लॉय के साथ एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग सो कंट्रोलिंग में क्या कहते हैं आप परफॉर्मेंस को मोनिटर करते हैं तो देखिए हेयर दिस प्राइजिंग डज नॉट कम्स इन टू पिक्चर राइट प्राइजिंग कोई मैनेजमेंट प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्टली रिलेटेड है अदर फोर एलिमेंट से राइट सो प्राइजिंग एक मार्केटिंग एक्टिविटी है जो कि कंसर्न है कि आप प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस को सेट कर रहे हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है गोल सेटिंग में या प्लान डेवलप करने में या ऑर्गेनाइजिंग में सो so, दोस्तों नॉट एन एलिमेंट कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बाकी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है राइट right. चलिए आगे देखते हैं सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लानिंग प्लानिंग किसे कहा जाता है तो ऑप्शन ये है कि किसी मैनेजर का जो लास्ट फंक्शन है वो प्लानिंग होता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, है बताइए प्लानिंग किसे कहा जाता है किसी मैनेजर का लास्ट फंक्शन को प्लानिंग कहते हैं हम लोग ऑप्शन भी कह रहा है कि जो मैनेजर का पहला प्राइमरी फंक्शन होता है उससे प्लानिंग कहते हैं ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों वो दोनों ए और बी दोनों होगा सही और ऑप्शन डी यहाँ कह रहा है कि इनमें से कोई सही नहीं है बताइए क्या सही जवाब है इसका देखिए सही जवाब है इसका कि इट इज़ अ प्राइमरी फर्स्ट फंक्शन तो प्लानिंग दोस्तों मैनेजमेंट का फंक्शन है क्यों क्यों वाइट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर ऑल अदर फंक्शन सो विदाउट प्लानिंग विदाउट प्लानिंग मैनेजर वुड नॉट नो वाट गोल्स टू अचीव एंड हाउ टू अचीव दैन आप प्लान करेंगे ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या गोल है कैसे उसे अचीव करें तो देखिए प्लानिंग लास्ट फंक्शन नहीं होता है ये हमेशा प्राइमरी फंक्शन होता है ठीक है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ जैसे मान लीजिए कि कोई क्राइसिस सिचुएशन है राइट सो मैनेजमेंट जो है करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे लेकिन क्राइसिस सिचुएशन में ठीक है मैनेजमेंट uh, का प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि वो करेक्टिव एक्शन लें लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी प्लानिंग बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए ठीक है तो प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग इंसानसर्टिनिटी को रिड्यूस करता है प्लानिंग कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है तो दीज आर द सम ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्लानिंग नो लेट्स यू अव नेक्स्ट क्वेश्चन सो ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है यू नो वट इज ऑर्गेनाइजेशन टेल मी वट इज वट इज ऑर्गेनाइजिंग यू नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म ऑर्गेनाइजिंग सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर द ऑर्गनाइजन एंड असाइनिंग टास्क टू एम्प्लॉय इसके अंदर आप जॉब को डिफाइन करेंगे इसके अंदर आप जॉब को ग्रुपिंग करेंगे यू डिफाइन द जॉब यू ग्रुप द जॉब एंड यू इस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था ना पहला क्वेश्चन में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तो आप जॉब डिफाइन किया आपने जॉब ग्रुप किया तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कोई देखिए बाई होम विल बी डन वैन विल बी डन वाट विल बी डन ये सब सवाल है सो सो दीज आर दार्टिच एन इंक्लूडेड अंडर द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या इंक्लूडेड नहीं होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं होता है दिस इज द क्वेश्चन सो फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं होता है कि कैसे टास्क को परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट नीड स्पेसिफाइंग हाउ टास्क विल बी परफॉर्म ओके सो सो हाउ टास्क ये ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टिंग का देखिए यहाँ लिखा है ना हाउ विल बी डन सो दिस इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ठीक है देखिए अदर ऑप्शन बाय हुम विल बी डन by whom will be done when will be done what will be done so these all are aspect of the organizing so let me talk about some more step involved in organizing so that this concept become more clear so the first thing in the organizing is you define the job आप क्या करते हैं दोस्तों जॉब को डिफाइन करते हैं यानी आप टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि परफॉर्म करना है और स्किल और नॉलेज जो कि उसको कर परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट है व्हाट यू डू इन प्ले इन ऑर्गेनाइजिंग यू आइडेंटिफाई द टास्क दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड एंड द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर टू परफॉर्म द जॉब द सेकेंड आस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज ग्रुपिंग जॉब टुगेदर यू जस्ट ग्रुप इफ इट वाट डज इट मीन इसके अंदर आप सिमिलर या रिलेटेड जॉब को ग्रुप करते हैं एक साथ ताकि डिपार्टमेंट या डिवीजन को फॉर्म कर सकें सो इन दिस केस वट यू डू यू जस्ट इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग सिमिलर और रिलेटेड जॉब टुगेदर टू फॉर्म डिपार्टमेंट और डिवीजन द लास्ट यू डू इज इस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सो so, ये रिपोर्टिंग लिखा होता है कि इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा और कि कौन किसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है तो फ्रेंड्स वाट विल बी डन वैन विल बी डन बाय विल बी डन ठीक है ये तो सही है हमारा hmm. लेकिन हाउ विल बी डन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉट इज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन है हु रिपोर्ट्स टू हिम इज मेड क्लियर बाय तो ऑप्शन को जरा देखते हैं कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा ये कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो कि क्लियर अप्लाई करता है ठीक है हु रिपोर्ट होम इज मेड क्लियर बाय होम सो ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑप्शन बी इज मैनेजमेंट प्रोसेस ऑप्शन सी इज प्लानिंग प्रोसेस ऑप्शन डी इज नन ऑफ द्लीज टेल सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सो देखिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एक प्रोसेस होता है कि आप एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं राइट यू वाट यू डू इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ओके ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉय को टास्क असाइन करते हैं इसके अंदर आप मैंने अभी आपको बताया था पिछले पिछले स्लाइड में भी कि जॉब को डिफाइन करना ठीक है आप जॉब को ग्रूप करते हैं और फाइनली क्या करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं सो so बेसिकली uh, ये जो हमारा इसके अंदर आप ज, ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है ये जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है ना वट इज़ दिस दिस इज़ लाइन ऑफ अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ही क्या होता है दोस्तों हमारा लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एक लेवल से दूसरे लेवल तक एक्सटेंड होता है तो बाकी जो ऑप्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग प्रोसेस दिस आर इनकरेक्ट ओके मैनेजमेंट प्रोसेस एक टर्म है इसके अंदर सारा का सारा मैनेजमेंट का फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग भी इंक्लूडेड है दोस्तों प्लानिंग प्रोसेस जो है वी हैव इन द लास्ट स्लाइड बेसिकली प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आप गोल सेट करते हैं डेवलप करते हैं उन्हें तो ऑर्गेनाइजिंग में कुछ और स्टेप है आप आप जॉब को डिफाइन करें आप जॉब को ग्रुप करें एक साथ आप रिपोर्टिंग रिलेसिव को इस्टेबलिश करें यू इस्टैब्लिश द रिपोर्टिंग रिलेसिव

रियल टाइम एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को देख सके बी का जो दोस्तों आपका पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन पैटर्न का वो भी इसमें इंक्लूडेड है आपको दोस्तों वीडियोज एक्सप्लेनेशन मिलेंगे सभी टॉपिक के आपको यूनिट वाइज फुल एंड टेस्ट मिलेगा यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हर एक वीकेंड को वीकेंड को कंडक्ट होता है और फुल एंड टेस्ट वन वन बिफोर एग्जाम कंडक्ट होता है सो इफ यू वॉन्ट टू अवेल ऑल दिस फैसिलिटी डू इन रॉल इन आवर सीआई वी कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स नाउ यदि आपको केवल पी डी एफ प्लान की रिक्वायरमेंट है तो सो सो वी है पी डी एफ प्लान फॉर ऑल फोर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स प्लस वन इलेक्टिव पेपर okay so it will cost you rupees 900 okay for for four elective subjects and one uh, uh वन इलेक्टिव पेपर सो दिस इज फॉर फोर्थ सिलेक्टिव सब्जेक्ट कॉल रूप नाइन हंड्रेड इसमें आपको यूनिट वाइज कंसाइज पीडी एफ नोट थ्री था प्लस एम सी क्यूज क्वेश्चन बैंक यूनिट वाइज थ्योरी एंड एम सी पी डी एफ मिलेगा एंड इफ यू वॉन्ट टू अवेल, टेक हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस केस यू विल गेट डेली क्विजिस यू विल गेट यूनिट वाइज मॉक टेस्ट यू विल गेट यूटफुल विद मॉक टेस्ट यदि आप इन तीनों में से किसी चीज को अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज इंस्टॉल आर एप जे वी एन सी वी मेड सिंपल बेसिकली इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर लिंक इज गिंक ऑफ द एप इज ग्रिप्शन सेक्शन यू कैन टेक हेल्प ऑफ दट पार्टिकुलर लिंक टू इन इन एनी ऑफ द एज पर योर रिक्वायरमेंट सो इन दिस और दोस्तों यदि आप इस तरह का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे इस कोर्स में सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश एक्टिविटीज ऑफ इंटरप्राइज सो दिस इज द क्वेश्चन ऑप्शन इज डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑप्शन बी इज एलोकेटिंग एंड डिफाइनिंग ऑप्शन सी इज एटैब्लिशिंग एंड स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड ग्रुपिंग ऑप्शन डी इज डिफाइन एंड एलोकेटिंग सो प्लीज़ टेल वाट इज वट इज ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गनाइजिंग किसी का प्रोसेस होता है तो दोस्तों आप ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्गेनाइजिंग में आप एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं जी आप जस्ट टॉक नाउ दैट इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वट यू डू यू जस्ट क्रिएट ए स्ट्रक्चर और असाइन करते हैं एम्प्लॉय को टास्क इसके अंदर जॉब को डिफाइन करना ग्रुप करना जॉब को रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना ये सभी आते हैं तो ये दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग का दो की एस्पेक्ट होता है मैंने आपको फिर से रिकॉल करा दूं ऑर्गेनाइजिंग का दो की एस्पेक्ट क्या होता है व्हाट आर द टू की एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लेट मी रिकॉल यू वंस मोर सी द फर्स्ट एस्पेक्ट इज डिफाइनिंग सो इसके अंदर क्या होता है कि आप टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि परफॉर्म किया जाना है जो भी परफॉर्म किया जाएगा और क्या स्किल चाहिए क्या नॉलेज चाहिए और दूसरा है ग्रुपिंग सो ग्रुपिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि सिमिलर या रिलेटेड जॉब को ग्रुप करते हैं ताकि आप डिपार्टमेंट या डिवीजन को फॉर्म कर सकें सो फ्रेंड सी डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग दिस इज द करेक्ट आंसर एलोकेटिंग एंड डिफाइनिंग रॉन्ग स्टेबलिशिंग रिलेजिब एंड ग्रुपिंग रॉन्ग डिफाइनिंग एंड एलोकेटिंग रॉन्ग सो प्लीज रिमेंबर ऑर्गनाइजिंग में सबसे पहले आता है डिफाइनिंग उसके बाद ग्रुप करते हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है राइट right? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कि ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग तो बताइए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूडेड होता है टेल मी वट आर द थिंग्स दट आर इंक्लूडेड अंडर ऑर्गेनाइजिंग सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टास्क मैनेजमेंट द सेकंड ऑप्शन इज रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर द थर्ड ऑप्शन इज को मास्किंग को मेकिंग एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल द दब सो फ्रेंड्स टेल मी वट वट आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड अंडर ऑर्गेनाइजिंग देखिए तो टास्क मैनेजमेंट क्या होता है कि टास्क मैनेजमेंट में मैं आपको एक एक ऑप्शन समझाता हूं टास्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली व्हाट यू डू यू जस्ट इन द टास्क मैनेजमेंट यू डिफाइन एन ग्रुप टास्क यू डिफाइन एन ग्रुप टास्क ताकि आप टास्क एम्प्लॉय को देते हैं और इंश्योर करते हैं कि टास्क जो है टाइम पे कंप्लीट हो नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर यह एक तरीका है जिससे एम्प्लॉय को ग्रुप किया जाएगा टुगेदर तो एक तरीका है जैसे एम्प्लॉय को एक साथ ग्रुप किया जाएगा और 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 दोस्तों असाइन टू मैनेजर और फिर ले नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन या को जिसे कहते हैं तो ये एक प्रोसेस है इंश्योर करने का कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज़ है या डिविजन का एक्टिविटीज़ है वो अलाइंग हो और सेम गोल के प्रति काम काम करें दोस्तों ये जो जितना भी एलिमेंट्स है ये जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के लिए राइट सो विदाउट बिना टास्क मैनेजमेंट का बिना रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर का बिना टास्क मैनेजमेंट का इम्प्लॉय को पता ही नहीं चलेगा कि क्या उन्हें काम करना है ठीक है क्या उन्हें टास्क कंप्लीट करना है बिना रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर का ठीक है ये डिफिकल्ट होगा ट्रैक करने के लिए कि कौन किसके लिए जिम्मेवार है और बिना कोऑर्डिनेशन का बिना कोमेकिंग का जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो क्रॉस पर्पज के लिए काम नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑल दब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ बेनिफिट्स ऐप होते हैं इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के जैसे एफिशिएंसी बढ़ाना कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना इंप्लॉय सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना दीज आर सम ऑफ अदर फंक्शन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं इनमें से पूछा जाए कि स्टाफिंग से इनमें से कौन सा चीज़ एसोसिएटेड नहीं है कंसर्न नहीं है राइट सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्टाफिंग सो फ्रेंड्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इच एन एवरी कंसर्ट विद लेन टर्म्स पॉसिबल सो द कंसेप्ट इज इनग्रीडियंट एंड रिसर्च क्वेश्चन आर आस्ट इन एग्जामिनेशन यू कैन इजी आंसर विदाउट एनी एफर्ट ओके सो इन एफर्टलेस मैनर यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना लेट सी स्टाफिंग में दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा चीज स्टाफिंग से कंसर्न नहीं है सो यू नो वट इज दाफिंग स्टाफिंग में आप क्या करते हैं एक्वायर करते हैं वट यू डू इन द स्टाफिंग यू एक्वायर राइट right. स्टाफिंग में आप क्या करते हैं कि आप एक्वायर करते हैं डेवलप करते हैं मेंटेन करते हैं वर्कफोर्स राइट साइज का और क्वालिटी का ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें तो इसके अंदर सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आप क्वालिफाइड एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करते हैं व्हाट यू डू यू यू जस्ट अट्रैक्ट द क्वालिफाइड क्वालिफाइड एप्लीकेंट सो इन केस ऑफ स्टाफिंग यू जस्ट अट्रैक्ट द क्वालिफाइड एप्लीकेंट सलेक्शन में क्या होता है कि आप इवेल्युएट करते हैं व्हाट यू डू इन सिलेक्शन यू इवेल्युएट द एप्लीकेंट आप क्या करते हैं दोस्तों एप्लीकेंट को इवेल्युएट करते हैं ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि आप जो है स्किल uh, को डेवलप करते हैं और, और दोस्तों नॉलेज डेवलप करते हैं मैनेजमेंट इंप्लॉय का सो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग यू यूव अंडस्टैंड वाट इज़ द ट्रेनिंग ट्रेनिंग में आप डेवलप करते हैं स्किल को नॉलेज कर नॉलेज को तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट आता है ठीक है रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया क्वालिफाइड एप्लीकेंट लेते हैं सिलेक्शन में बताया कि आप इवेल्युएट करते हैं अप्लीकेंट को आपने ट्रेनिंग में बताया कि स्किल डेवलपमेंट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है ये भी एक देखिए एक यहाँ पर एक और पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग

इट इज एक्टिविटी ऑफ प्रोमोटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक इट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सेलेक्शन ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस एप रिजल्ट नॉलेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टिंग का इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है नहीं है ठीक है नॉट देखिए नहीं पढ़ना बहुत जरूरी है तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों <laughs> कि डायरेक्टिंग का इनमें से कौन सा करेटरिस्टिक्स नहीं है बताइए hmm. डायरेक्टिंग का कौन सा करेटिस्टिक नहीं है ऑप्शन ये है कि आप आ, क्या कर रहे हैं इनिशिएट एक्शन यू आर डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन ऑप्शन बी इज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑप्शन सी इज इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑप्शन डी इज़ इट इंश्योर्स डिसऑर्डर एंड डिसिप्लिन देखिए डायरेक्टिंग एक प्रोसेस होता है कि आप इन्फ्लुएंस करते हैं hmm. आ, किसको डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग टू वर्क टूवर्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल तो कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स में बता दूं सबसे पहला है कि यह इनिशिएट करता है एक्शन को सो so डायरेक्टिंग क्या करता है इट इनिशिएट द एक्शन दूसरा है कि इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस तो इनिशिएट एक्शन का मतलब कि यह एक्शन को इनिशिएट करता है इंप्लॉय को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके गाइडेंस प्रोवाइड करके जो कि उनको जॉब में करने में हेल्पफुल हो mm -hmm. दूसरा कि यह कंटिन्यूस प्रोसेस है बिकॉज इट इज नेसेसरी टू कीप इम्प्लॉय मोटिवेटेड एंड ऑट ट्रैक टू वाट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल नेक्स्ट इट फ्लो फ्राम टॉप टू बॉटम तो डायरेक्टिंग हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करता है लेकिन लेकिन दोस्तों ये बॉटम टू टॉप भी फ्लो कर सकता है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे मान लीजिए इम्प्लॉय है ठीक है तो ये इंप्लॉय जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं अपने मैनेजर को इम्प्लॉ इम्प्लॉ फीडबैक किसे देते हैं इम्प्लॉय mm. फीडबैक देते हैं अपने मैनेजर को ठीक mm. है जो कि हेल्प करता है मैनेजर को अपने इम्प्रूव करने के लिए कैसे डायरेक्ट करें और चौथा पॉइंट है इंड इन्श्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन सो दोस्तों डायरेक्टिंग mm. इंश्योर करता है कि ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर सी सही है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डायरेक्टिंग का टॉप टू बॉटम तो है ही ठीक mm. है टॉप टू बॉटम इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स इट इज़ बॉटम डायरेक्टिंग बॉटम टू टॉप भी फ्लो कर सकता है जैसे इंप्लॉय को फीडबैक मिलेगा इंप्लॉय फीडबैक देते हैं अपने मैनेजर को जिससे मैनेजर अपने डायरेक्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं बाकी ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी गलत है सो इट नॉट दैट डायरेक्टिंग करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डायरेक्टिंग का एलिमेंट है तो अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिंग एलिमेंट के बारे में इज डायरेक्ट डायरेक्ट इनिशिएट एक्शन देखिए आपको एमसीक्यू से याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट यदि आप चीजों को ध्यान से समझेंगे एक एक चीज पाइन को जैसे मैं समझा रहा हूँ दोस्तों यू विल बी एबल टू रिमेंबर इच एंड एवरी आंसर एंड यू नो नीड टू रीड एनी बुक फॉर एम फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज एम सी क्यू आर मोर देन एफ यदि आप इस तरह के एम सी क्यूज चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और इंस्टॉल द ऐप ओके नाउ डायरेक्टिंग का क्रेडिटिप पूछा जा रहा है कि बेसिकली डायरेक्टिंग किसी का डायरेक्टिंग का आपसे क्रेडिटिप पूछा जा रहा है राइट सो नेक्स्ट इज नॉट अ क्रेडिशिप वी है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग या सो देखिए एलिमेंट पूछा जा रहा है तो so, एलिमेंट में दोस्तों सबसे पहले आता है सुपरविजन सुपरविजन में क्या होता है कि आप ऑवर करते हैं वॉट यू डू यू ऑवर राइट यू ऑवर सी एंड डायरेक्ट द वर्कर ऑफ द इंप्लाई इसके अंदर इंस्ट्रक्शन देना गाइडेंस प्रोवाइड करना और रिजॉल्व करना प्रॉब्लम को मोटिवेशन में क्या आता है दोस्तों आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि वो डिज़ायर्ड वे में बिहेव करें इन्फ्लुएंस टू बिहेव इन अ डिजायर्ड वे नेक्स्ट इज लीडरशिप लीडरशिप पे क्या होता है कि आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों की कि वो कॉमन गोल के प्रति काम करें सो यू इन्फ्एंस द पीपल टू दे सो दैट दे वर्क टू आर अ कामन गोल तो ये जितने भी हमारे सुपरविज़न है मोटिवेशन है लीडरशिप है ये सभी इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग फंक्शन के लिए ओके okay. एंड uh, क्योंकि बिना सुपरविजन का इंप्लॉयज़ ये समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है कैसे करना है बिना मोटिवेशन का इम्प्लॉयज जो है इंस्पायर नहीं होंगे अपने बेस्ट काम को बेस्ट करने के लिए एंड बिना लीडरशिप का इम्प्लॉयज दोस्तों इंस्पायर नहीं होंगे कि वो कॉमन गोल के प्रति काम करें mm -hmm. तो ये सभी बेनिफिट्स हैं एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग का mm -hmm. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑल द इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है क्वालिटी बढ़ता है इंप्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है किससे दोस्तों डायरेक्टिंग से तो प्रॉपर डायरेक्शन होने से ऑल दिस आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ प्रॉपर डायरेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज द प्रोसेस ऑफ ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ इंप्लॉय टू अंप्लिस द डिजायर गोल यानी दोस्तों आपको डिजायर गोम्प्लिस करवाना है तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है गाइडिंग एफर्ट ऑप्शन को देखते हैं जरा सुपरवाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग मोटिवेटिंग देखिए डायरेक्टिंग इसके साथ से लोग डायरेक्टिंग करते हैं दोस्तों दिस इज कॉल डायरेक्टिंग सो डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है कि आप आप इम्प्लॉय के एफर्ट को गाइड करते हैं ताकि वह एक्म्प्लिस कर सके डिजायर गोल को ठीक है तो कुछ और की आस्पेक्ट है डायरेक्टिंग का जैसे इंस्पायर करना है को जैसे दोस्तों आपने आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं दिस आर द की आस्पेक्ट सो फ्रेंड्स लेट मी अगेन रिटरेट आज दोस्तों ये 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 ऑफर आज के लिए वैलिड है इफ़ यू यूज़ दिस कोड पी डी एफ टेन तो आप इंस्टेंट डिस्काउंट टेन परसेंट मिल जाएगा आपको किसी भी पी डी एफ कोर्स के लिए हमारे जे आई वी और सी आई वी के लिए फ्रेंड्स दिस इज आवर ऐप लिंक आप प्ले स्टोर पे जे आई वी एन सी आई वी मेरी सिंपल करके कर सर्च कर सकते हैं ऐप को इंस्टॉल कर लें आपके पास ओ आएगा ओ टी इंटर करें आप ऐप में इंटर कर लेंगे जो भी कोर्स आपको एज रिक्वायर्ड है उसको आप परचेज कर सकते हैं ऐप हमारे गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है इस नाम से और फ्रेंड्स हमारा डेली क्विजेज़ फ्रीली कंडक्ट किया जा रहा है जिसका आप हेल्प ले सकते हैं ये फ्री है सभी स्टूडेंट के लिए तो ज़रूर आप ऐप को इंस्टॉल कर लें ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको जाना है और डेली क्विज डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करना है ताकि आप इसमें दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट से पंद्रह क्वेश्चन होते हैं आप देख पाए कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है पार्टनर सब्जेक्ट की सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग कोर्सेज प्राइसेस गोइंग अप टू मोरो सो डोंट वेट एनी लॉन्गर एनी मोर एंड जस्ट इन रॉल इन आवर पी डी एफ कोर्सेज एंड स्टार्ट लर्निंग टूडे सो दैट सॉल्व फॉर टुडे इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पार्टिकुलर लेक्चर प्लीज फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल थैंक यू